खूबसूरत है, देखो आ जाओ, कॉल हरीश से प्लीज। तो दो जेंटलमैन किधर है? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे जी और बड़े ही मज़े से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ जी नीलू बल्ती किचन फ्रॉम लद्दाख, एक छोटे से विलेज त्याशी से। तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्या किया ना, छुट्टी हुई जब हमारी ऑफिस से, तो मैं और सुमन मैडम हम दोनों आ गए जी सिटी की तरफ, और हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, ठीक है ना। और सिटी की तरफ जा कर के हम आपको आज एक खूबसूरत सी जगह दिखाएंगे, तो हम दोनों ने भी देखा ही नहीं है पहले, तो हम दोनों ने सोचा कि हम आज वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा सा घूम लेंगे। तो हम जा रहे हैं सिटी, तो दोस्तों साथ में रहिएगा और हमारे साथ में वीडियो पूरा देखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारी सी जगह जा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी साथ रहना, ठीक है ना। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। हम लोग जा रहे हैं गाइस हरी पैलेस। फाइनली हम लोग पहुँच गए हरी पैलेस। सोचा नहीं था, रोज़ सोचती थी मैं भी जाऊंगी पर मैं आना ही नहीं हो रहा था, पता नहीं। नहीं, ये चीज़ यहाँ पे आके हमें देखनी चाहिए थी। देखनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से कुछ बुरा जाता है, रिलेक्शन में बताते हैं। फिर जब हम लोग आए हैं तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ना। फिर किसका आना होता है जम्मू, किस लिए आना हमने? हाँ, कभी मौका मिले तो कुछ काम पड़िए तभी आते हैं ना, वरना बिना मतलब में कोई भी नहीं पहुंच पाता, चाहे कोई भी हो। और जी अब मैं और सुमन जी यहाँ से लेंगे टिकट विकट, फिर हम भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे हरी सिंह पैलेस को। तो यहाँ पर टिकट लेने जा रहे हैं। काउंटर इधर है, है ना? पता नहीं 50 रुपीज़ है शायद। फोटो तो लेने हैं। बिल्कुल जी, काटो जी, बिना फोटो के घूम के क्या करेंगे, है ना? फोटो ही लेना, फोटो के लिए तो आए हैं। फोटो तो लेना ही है, इन्होंने देखा होगा ये शूट करने में लगे। म्यूजियम किधर है? म्यूजियम तो उधर ही था। नहीं, उन्होंने इधर बताया ना, किधर से? पहले इधर से तो नहीं है, नहीं इधर से नहीं है, इधर पानी है। किधर जाने के लिए कहा उन्होंने? अच्छा, इनसे पूछ रहे हैं ना भैया, टिकट कहाँ है? टिकट रखी हुई है। हाँ, वो पकड़ के रखो भैया। म्यूजियम किधर है? टिकट है भाई? हाँ, बिना टिकट के कहाँ आएंगे भैया। अच्छा, इधर ही है। वाओ, और ये पैलेस ना जम्मू के महाराज हरि सिंह का है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर म्यूजियम में उनकी फोटोज लगी हुई है, उनकी महारानियों की और उनके जो बच्चे थे उनके भी। और यहाँ पर अभी पता चला उनका सबसे छोटा बेटा जो है तो वो अभी भी है जी उनके वंशज राजा, क्या नाम था पता नहीं उनका, मैं अभी देखती हूँ क्या नाम है। और उनके बेटे का नाम था जी करण सिंह, तो अभी है वो महाराज करण सिंह। तो ये शायद उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, फिर दूसरे म्यूज़ियम में जा रहे हैं। अंदर आए तो अच्छा लग रहा है बहुत, जो यहाँ के राजा थे उनके बारे में सारा कुछ है, उधर और भी होगा। हम लोग उस ब्रिज से आए हैं, वो जो सामने ब्रिज दिखाई दे रही है, याद है। हाँ, देखा ना, और हमारा इम्पा भी दिखता है यहाँ से। इम्पा कहाँ है? वो देखो सामने, उसकी हॉस्टल भी दिख रही है इधर।
हाँ, वो देखो उधर इम्पा है। सही बात है, कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से। बस ये यहाँ पे पहाड़ों पे ना अलग से कुछ सिर लुक आते हैं। हाँ जी, मैं तो मक्खी काट ना ले कहीं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वहाँ से नहीं लुक अच्छा लग रहा है। हाँ, उसने बताया ना, मैंने कहा ठीक है अच्छा नहीं जा रहे वहाँ तो। सोने का सिंहासन नहीं है, कैसे बनाया होगा उस टाइम पर, है ना? कितना कॉस्टली होगा ये सोचो। कितना कॉस्टली होगा। और यहाँ पर सोने के सिंहासन को देख करके हम दोनों हैरान हो गए, और बस हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर के काफ़ी देर देखते रहे। और यहाँ आ गए जी म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर जो है पूरी तरफ चारों तरफ यहाँ पर बसोली पेंटिंग लगी हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस पेंटिंग में जो गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है ना, वो गोल्ड की पेंटिंग है, प्योर गोल्ड है वो। तो बस हम हैरान हो गए। और ये है जी जो है सारे जितने भी महाराज थे उनके फोटोज लगे हुए हैं चारों। और हाँ गाइज, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? प्यारी है ना, सोनी महिवाल ओरिजिनल पेंटिंग। हाँ, लद्दाख में तो पहाड़ सीधे ऊपर आसमान में मिले हुए होते हैं। वहाँ से भी तो वही लुक आ रहे हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं वापस। छुट्टी वाले दिन कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, बड़ा खूबसूरत सा था, है ना? अच्छा हुआ ना हम लोग ट्रेनिंग में आ गए, वरना हम कहाँ देख पाते, है ना? स्पेशली कौन आता है? कोई नहीं आता स्पेशली, तो कोई नहीं। ट्रेनिंग हमारे लिए वरदान साबित हुई है। हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है जी। ये उनका ये हरि निवास है, ये होटल भी है और उनका घर भी है। सेम ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अच्छा, आपका वहाँ पर। दो जेंटलमैन किधर है? मैं आई थी जी हमारी सुमन मैम के साथ में, तो पूरा अंदर पैलेस हम घूम के आए हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे ना, तो यहाँ पर देखिए एक मूवी की शूटिंग चल रही है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठ गए देखने के लिए। बोलिए मेरे व्यूअर्स को, आपको एक बार पैलेस आना चाहिए, यहाँ की पेंटिंग्स और जो ये पैलेस है ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब देखिए गाइस, हम लोग जो है बहुत घूम फिर चुके हैं, तो मैं अब जा रही हूँ, तो सुमन जी को मैं बस में बिठा दूँगी वहाँ से, पंचतीर्थी से उस जगह का नाम है, और मैं जाऊँगी जी होटल डी लद्दाख, वहाँ पर मेरा भांजा वेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ जी डी लद्दाख होटल में। ये लद्दाखी
एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सारे लद्दाखी फूड्स अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके जो है एक पहले वाले एक व्लॉग में मैंने डाला हुआ है इस होटल के बारे में। तो मैं फिर से यहाँ पहुँच गई हूँ, तो मुझे यहाँ से भांजे के साथ जाना था ना घर, तो फिर जो है इन्होंने यहाँ पर जो है हमारे लिए चाय बनवा दी और चाय बहुत ही मज़े की बनी थी, बड़ी टेस्टी सी। और देख के ही देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है ना इसका, और मुझे तो चाय बहुत पसंद है इसलिए मुझे ऐसे ही अच्छी सी कलर वाली चाय बड़ी पसंद आती है। और जब मैं यहाँ पर आई ना, तो उस दिन जो मैंने वीडियो बना करके व्लॉग बना करके डाला था ना, तो इसके मालिक यहाँ पर नहीं थे, जो ओनर थे, तो आज वो खुद यहाँ पर हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ, ठीक है गाइस। तो इस होटल में जो है लद्दाखी फूड्स जितने भी हैं फूड वो सारा ही मिलता है, और पूरी लद्दाखी जो है लद्दाख की जो वाइब्स है वो यहाँ पर आती है। तो आप लोग आइएगा गाइस यहाँ पर, यहाँ के फूड को एंजॉय कीजिएगा, एक बार ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको मिलवाती हूँ जी डी लद्दाख होटल के ओनर से, ठीक है। आपको ना कितने साल हो गए यहाँ पर? दो ढाई साल हो गए। मतलब जितने भी लद्दाखी फूड है सारा मिलता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो गया, शप्टा, जो आपके मेन्यू में है। हाँ, मेन्यू में सारा है। अच्छा, मतलब जो भी मेन्यू में है वो सब मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है जी, हमने भी ट्राई किया था इनका थुप्पा मोमो, तो बहुत मज़े का था। मेरी बेटी ने तो मंगवाया है यहाँ पर, देखिए मैंने ना चार प्लेट पैक करवाया है, तो मुझे लेके जाना है ये चार प्लेट मोमोज, मुझे चंडीगढ़ भिजवाना है। तो हमारे एक जानने वाले जा रहे हैं, तो उनके साथ मैं भिजवाऊंगी, मैंने उनसे कहा है बस एसी पूरा ऑन करके एसी के सामने ही रख देना है मोमोज को, तो इंशाल्लाह सुबह तक ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, और मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए भिजवा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों से चाहती हूँ जी इजाज़त, तो फिर अच्छी सी किसी अच्छी सी वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।